This is my kingdom come. This is my time. हाँ जी, नमाज पढ़ी मैंने, अभी पानी पियेंगे। दरख्तों के बीच में है, वहां से क्या जच रहा है वो, बढ़िया लग रहा है ना वो खेत। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी, आज बहुत टाइम के बाद एक्चुअली मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ जो कि बढ़िया होने वाली है, तो इसीलिए आज का व्लॉग जो है, हम आते हैं आज के व्लॉग पे। ये है, हम एक जगह जाने वाले हैं जो कि पहले बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर वहाँ पे एक मास्क है जिसकी वजह से उसको चार चांद लग जाते हैं, जो कि डिफरेंट है, छोटी सी है पर डिफरेंट टाइप की है। तो जी, आपको भी मज़ा आएगा कि वाशिंग जी। तो पहले काम करेंगे हम रनिंग करेंगे ट्रेडमिल पे, और उसके बाद वो विल लीव, कीप वाचिंग। डन विद रनिंग, नाउ वी विल डू आइस बाथ। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग है मुझे साइकिलिंग करने की दूर दूर जगह, लाइक गुरेज, तो ऐसे ही फिर ऑल इंडिया टूर देखेंगे, उसके लिए बाइक लानी पड़ेगी नई। ठीक है ना, यही प्लानिंग है जी। अभी जो हमें सामान जो रिक्वायर है ना, छोटी मोटी सी कैंपिंग करेंगे, तो उसके लिए ब्यूटेन साथ लेना है, तो पकाएंगे कुछ और क्या साथ लेना है, हाँ जी, तो ये भी साथ लेंगे, सैनिटाइजर और पावर बैंक। ठीक है, बैग कहाँ गया, बैग पहले हम डालेंगे, ये दो, एक में बहुत कम है ना, तो इसीलिए मैं भी वो ख़त्म हो जाए बीच में ही। ये ना बढ़िया है, आई लव इट। ये रहा पावर बैंक, चलो जी हो गई, सिर्फ आप कटोरा साथ देना है ना। ओके, ये रही जी हमारी बसंती, तो इसी पे जाना है आज। ठीक है, ये रहा जी वड़वन मार्केट, और ये रहा हमारा जिम। ओके, शुक्रिया। जी यहाँ से हमें मिलेगा चिकन, अभी ना हमने 150 का चिकन लाया, मुश्किल है खाना, तो देखेंगे खा सकेंगे कि नहीं। ये रही जी हमारी बसंती, साइकिल नई लानी है बाय द वे, गुरेज ट्रिप के लिए ना। अभी ना जी टाइम आया है 1:15, तो जी हम वड़वन में हैं, अभी देखते हैं सर ठीक हो, तो जी देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें मलपुरा तक, जो कि मुझे लगता है 12 किलोमीटर दूर होगा हमारे यहाँ से, और यहाँ से होगा दूर यही 9 किलोमीटर। यहाँ से जी अच्छा लग रहा है, यहाँ से ना खेत वेत, अभी ना जी शाली को काटा है यहाँ से, आधी जगहों पे पता नहीं कब की काटी होगी, आधी जगहों पे अभी नहीं काटी होगी। बस शुक्रिया। यहाँ से भी ना लोग जानते हैं, इधर भाई फुटबॉल की वजह से भी बहुत सारे जानते हैं, व्लॉगिंग की वजह से भी, तो जी अच्छा लग रहा है।
लगता है क्योंकि मुझे ना कम्युनिकेट करने में मज़ा आता है, डिफरेंट लोगों से मिलना अच्छा लगता है। हर एक की खूबियाँ भी होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, मज़ा आता है। पर मेरा एम यही है, घूमूं फिरूं। अभी ना हम पहुंचे हैं मलपुरा, यहाँ से जाते हैं, कराया इनको दिखाओ, तो यहाँ से हैं स्लो बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए गियर वाली जो साइकिल है ना ये बढ़िया है साइकिल, पर गियर वाली जो होती है ना उससे इजी होता है, यहाँ से ना बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती है। आधी जगहों पे ना ज़्यादा स्लो पे, तो वहाँ पे मैं उतरूँगा और चढ़ूँगा, ठीक है जी। यहाँ से ना स्लो बहुत ज़्यादा है, लाइक यहाँ से, तो यहाँ पे मैं उतरा, ठीक है जी। हो ये जी रहा यहाँ से गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल वैट, ठीक है जी। और यहाँ से है ग्राउंड जहाँ पे हमने बहुत बार फुटबॉल खेला है, वहाँ से, और शायद है ये भी स्टेशन भी है, उसको क्या बोलते हैं, रिसीविंग स्टेशन भी यहीं पे है आगे। दिस इज माय किंगडम। फाइनली जी मैं पहुंचा अपने फेवरेट पॉइंट पे ना, तो यहीं पे कहीं पे ना कैंपिंग का ये देखेंगे, मुझे लगता है वो रहा अच्छा साना पॉइंट, वेट ये वाला आगे जो ना ये अच्छा लग रहा है, वहाँ से जाना है, फिर वहाँ से नीचे उतरना है, उतरेंगे, मुझे लगता है यहाँ से अच्छा रहेगा, फिर देखेंगे। यार रोज सूद साइकिल भाग रहा है। फाइनली वहाँ से हम उतरे, हो ये पॉइंट बढ़िया लग रहा है, धूप थी ना इसीलिए यहाँ पे साया है। और ये शोर आप सुन रहे होंगे ना, कितना मज़ा आ रहा है इस शोर में, दशपोंपुर, दशपोंपुर इनको कहते हैं, दशपोंपुर। देखो ये शायद लगे होते थे इन पे ना, इस वाले पे हैं कोई, हाँ देखेंगे, यहीं पे होते थे ना ये, इन पे ही होते थे, अभी नहीं दिख रहा है कोई। This is my king। अच्छा ये फंस गया इसमें, अब निकलेगा। मैंने पेन लाई यार, यही इसमें बंद हो रही थी अच्छे से ना बैग में, मैंने सोचा भाई शिट, मैंने सोचा था कि तेल लाऊंगा मैं कहीं से, पर ना ये बोतल मिली तो मैंने इसी में डाली, मैंने सोचा थोड़ा सा थोड़े से पैसे बच जाएंगे। ये रहा पानी, इसको नीचे से ये लगे होते हैं ये, पर बढ़िया चीज़ है, बढ़िया। और बाय द वे मुझे चिकन बनाना नहीं आता है, मसला ये हो गया मैंने 2-3 बार बनाया, और वहाँ पे एक लड़का था मूसा जो कि मैनेजर था ना वहाँ पे कारगिल में उस गेस्ट हाउस का, उसको तो अच्छा लग रहा था, वो बोल रहा था तुम ही बनाओ। अच्छा मुझे लगा मैंने माचिस साथ नहीं लाई, पर इसमें तो लगती नहीं है ना, इसमें तो यही फायदा है, एक खुल जा। कहाँ गया वो, इसमें बंद करेंगे, हो जा बंद, हो गया बंद, ये क्या करना है। मैं ऐसे ही बनाऊंगा अब चिकन।
यार पानी की बोतल कहाँ गई? मैरिनेशन क्या होगी इसमें? 10 मिनट में मैरिनेशन या 5 मिनट में ही मैरिनेशन करनी है। जी तेल आया, अभी जी हम करेंगे काम। ऐसे ही हाथ से ही डालेंगे। खुल जा सिम सिम। तेल अगर कहीं पे गिरेगा ना वो नहीं निकलता है फिर। तो एक काम करेंगे, पहले ही अपना ये मेरा फंडा है क्योंकि तेल गिरा इससे तो ये फिर नहीं निकलता है, तो पहले ही साफ करके रखेंगे। आ रहा है ना? साइड चेंज करते रहो इनका, जब तक ना इसका जो शोर है ना अभी थोड़ा सा ये ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, तब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे खाना, ठीक है जी? तो उसके बाद करेंगे। ये शायद अखरोट के ही पेड़ है ना, मुझे ये समझ नहीं आता है, सिर्फ अनार के समझ आएंगे क्योंकि वो हमारे यहाँ पे हुआ करते थे पहले, और ना अंजीर के, शायद फिर सेब के भी समझ आएंगे शायद जी ना। हम अभी करेंगे काम के स्टार्ट करेंगे खाना, ठीक है? क्योंकि इसमें कीड़े बैठ रहे हैं। मैंने ना काम किया 1 घंटे पहले ही चिकन खाया। हम गए थे एक बंदे को अपने ही फ्रेंड को दावत करने ना, 2-4 फ्रेंड, तो उन्होंने चिकन बनाया था। अब मैं डर रहा हूँ पेट में दर्द ना हो जाए, इसको फेंकेंगे। और मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, अपनी नई डिश है, नई थी। पैन को मैंने इसमें रखा, कहीं पे अगर नल मिलेगा ना, ओहो इस बेचारे की हालत ख़राब हो गई। इसको कैसे निकालेंगे अब? निकल गया। इसको बंद रखेंगे, ये साथ होना चाहिए। जब भी पिकनिक जाओ कहीं जाए साथ होना चाहिए, इंस्टेंट सफाई। डन विद दिस। अभी ना काम है करेंगे, आपको मस्जिद भी दिखानी है, तो वहाँ पे वजू करेंगे अच्छे से, और ना ये कपड़े भी साफ करेंगे। देखो कपड़ों की हालत दिख रहा होगा टी शर्ट में। अगर टूथपेस्ट होता ना तो यहाँ पे लगाते हैं और फिर निकलता है, ये मेरी एक्सपीरियंस है। तो निकलते हैं, वहीं पे सोएंगे फिर कुछ टाइम, नेकी भी कमाएंगे, नेकी भी। यहाँ से रहा गिलास का फार्म, पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में या उर्दू में। इन घर वालों को टावर भी मिला है यहाँ पे, अच्छे खासे पैसे कमाते होंगे यार। टावर भी और गिलास फार्म भी अच्छा खासा है। इस पॉइंट से ना अच्छे से दिखती है ये ना, यहाँ से बड़गाम तक सिटी अच्छी से दिखती है उस पॉइंट से आगे। फाइनली हम पहुँचे मास्क के पास, ये रही छोटी सी मास्क है, यहाँ पे हम नमाज पढ़ने आते थे ना फिर जब यहाँ से घूमने जाते थे, ये रही। तो यहाँ पे क्या काम हुआ करता था, इस पॉइंट से एक मीनार इस साइड से एक मीनार, और वहाँ से 4 मीनार पे खड़ा थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। पर इन्होंने इसे छत लगाया है, और ये मकान नहीं थे उन दिनों यहाँ से, अभी मुझे लगता है 2 साल हुए होंगे। हम लेंगे एंट्री,
अल्लाहुम्मा ताली अबाब रहमती का यात कर छत लोग में यात सब मीन आर करें ठीक 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 चलो मैंने भी ना अभी एक बजे की नमाज़ नहीं पढ़ी है तो पहले मैं भी जुहर की नमाज़ पढ़ूंगा और मैंने इनको बोला है पानी लाने को ना प्यास बहुत लगी तो इसीलिए यार आएंगे वहाँ से पानी लेके पहले मैं नमाज़ ही पढ़ूंगा जब तक ये पानी लाएंगे ठीक है पढ़ेंगे हाँ जी नमाज़ पढ़ी मैंने अभी पानी पिएंगे जूता लगाएंगे और निकलेंगे गिम्बल बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना ट्राईपॉड भी चलेगा पर वो घूम गया मेरा वो ट्राईपॉड भी यहाँ से ना स्लोप नहीं है अब नीचे ही उतरना है तो मज़ा आएगा यहाँ से आप देखो क्या बढ़िया व्यू है वेट व्यू पॉइंट यहाँ पे ना ज़बरदस्त है ज़बरदस्त यहाँ से अगर मैं गिर गया तो प्राग लिंक हो जाएगी आप देख सकते हो ना यहाँ पे घर बढ़िया जगहों पे हैं ओहो हो दरख्तों के बीच में है वहाँ से क्या जच रहा है वो बढ़िया लग रहा है ना वो खेत जी अभी टाइम आया है 4:15 तो जी निकलते हैं यहाँ से और आपसे घर में मिलेंगे लगभग ना 5 बजे तक पहुँचेंगे क्योंकि यहाँ से स्लोप है और कहीं पे रुकेंगे नहीं तो घर में मिलेंगे कीप वॉचिंग Got me feeling some kind of way. I confess. अभी टाइम आया है 7:30 तो जी आज का व्लॉग इतना ही फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह टेक केयर अल्लाह हाफिज़